हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ रूपाली एंड वेलकम बैक टू रूपालीस किचन फ्रेंड्स आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं पनीर मोमोज़ की रेसिपी बहुत ही आसान है इसे बनाना इसकी शेपिंग किस इस तरीके से करनी है वो भी मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में इस वीडियो में बताया है तो वीडियो को ना ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा बहुत ही डिलीशियस ये मोमोज बन तैयार होते हैं मेरी फ्रेंड ने मुझे खुद ये रेसिपी निपाली है उसने मुझे ये सारे मोमोज़ की रेसिपी शेयर करी जो कि मैं आपके साथ में धीरे धीरे एक एक करके शेयर करूंगी तो वीडियो को ज़रा भी पसंद आती है ना प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो यहाँ पे मैंने लिया है पनीर जो कि कितना सौ ग्राम करीब था तो अब इसको जो है मैंने अच्छे बारी बारी घिस लिया था तो यहाँ पे मेरा पूरा पनीर जो है घिस के तैयार कर लिया है तो इसे एक बाउल में ले, ले लेते हैं अब इस बाउल में हम इसका मिक्सचर बना लेते हैं तो यहाँ पे इस पनीर में मैंने डाल दिया था बारीक कटा हुआ प्याज कट करके इसमें डाल दिया था एक प्याज छोटा प्याज है ये और यहाँ पे मैंने लिया है ये अदरक ए सॉरी लहसुन और अदरक भी था हरी मिर्च और थोड़ा सा जो हरा प्याज होता है वो और धनिया पत्ती और ये है इसमें चिकन मसाला मैं एक चम्मच के करीब चिकन मसाला डाल रही हूँ मसाले के नाम पे इसमें केवल यही डलेगा गाइस तो चिकन मसाला डालिए आपकी फिलिंग बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगी और एक स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक डाल दीजिए मिक्स कर लेते हैं सारे मिक्सचर को यहाँ पे हमारा मिक्सचर जो है बन के तैयार हो गया है चिकन मसाले डालने से ही उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और कुछ डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती तो यहाँ पे अब मैं मोमोज का आटा तैयार कर रही हूँ तो मैंने दो कप के करीब मैदा लिया है और उसको पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट सा आटा तैयार कर लेंगे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है टाइट भी करेंगे तो भी प्रॉब्लम आती है और ज़्यादा सॉफ्ट कर देंगे तो तो प्रॉब्लम आती आती है तो यहाँ पे मेरा आटा जो है आप देख सकते हैं मैंने उंगली से दबा के बताया है इस तरीके से हम अपने आटे को तैयार कर लेंगे और इसे अब हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे ढक के ठीक है तो हमारा आटे को कम से कम दस मिनट के लिए रेस्ट कर लें और यहाँ पर मैंने बाद में इसकी सारी लोहियाँ तैयार कर ली थी वो क्या बताना लोइयां तो सभी को आती है बनाना तो अब इसको हम बेल लेते हैं और वैसे तो इसको बेलने का एक तरीका होता है कि बीच में से आपको मोटा रखना होता है और किनारी जो होती है वो इसकी पतली करनी होती है बट मैंने तो ऐसा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही बेल लिया था आप देख सकते हैं किनारी इसकी पतली ही हैं तो अब बनाते हैं मोमोज की शेपिंग की बारी आती है तो यहां पे जो आपने ना पनीर का मिक्सचर बना के रखा हुआ था तो वो मिक्सचर इसमें डाल देते हैं भर भर के मैंने दो चम्मच डाला है क्योंकि अंदर फीलिंग अच्छे से मुंह में आए वो अच्छा लगता है तो आप देख लीजिए यहाँ पे शिपिंग किस तरीके से करनी है तो बहुत ही लोगों को लगता है कि अरे ये तो बड़ा टफ़ काम है लेकिन यस जब तक आता नहीं तब तक कोई भी चीज़ टफ ही लगती है बाद में जब आने लगता है ना तो लगता है अरे वाह हमें तो आता है तो मैं नहीं आता अभी तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ वैसे तो लोग बागों को मैंने देखा है वो लोग एक हाथ से ही शेपिंग कर लेते हैं मेरे हस्बैंड भी एक हाथ से ही कर लेते हैं लेकिन मुझे नहीं आता मैं तो दोनों हाथों को यूज़ करती हूँ और आपको बताती जा रही हूँ जो फोल्डिंग वाला पार्ट होता है ना उसको हमें अंदर की तरफ मोड़ना है अंदर की तरफ घुसाना है तभी हमारा ये वाला शेप आएगा और मुझे यही वाले शेप के जो मोमोज है ना सबसे ज़्यादा पसंद है तो आप जब भी कभी देखेंगे ना तो मैं यही वाला शेप क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेहनत करी इस शेप को सीखने में पता है यस yes, ये बात बिल्कुल सही है मैंने जब तक सीख नहीं लिया तब तक मैं इसको कोशिश करती रही और अब आपको सिखा रही हूँ देखिए कितना आसान है इसे बनाना ये देखो फोल्ड करते जाएंगे और ये जो फोल्डिंग वाला पार्ट है ना उसको अंदर की तरफ करते जाएंगे फिर साइड से एक बार इस साइड से फोल्ड करेंगे एक बार उस साइड से फोल्ड करेंगे और जो फोल्डिंग वाला पार्ट है उसको खींच के अंदर की तरफ करते जाएंगे तो चोटी वाला जो शेप होता है ना एक समोसे में वो आता जाएगा चोटी बिल्कुल ऐसे लगेगी जिससे एक लड़की की चोटी है और मुझे ये शेपिंग बहुत अच्छी लगती है ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है और लास्ट वाले पार्ट को एक चोंच की तरह बना के उसको सील कर देंगे तो ये चिड़िया की चोंच की तरह बन जाता है तो यहाँ पे मैंने मोमोज अपने तैयार कर लिए थे तो अब कर लेते हैं इसको स्टीमिंग की तैयारी तो जो स्टीमिंग है स्टीमिंग प्लेट है उसमें मैंने ऑयल लगा के उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था ये मेरी ढोकली की प्लेट्स हैं और मैंने इसमें इसमें ना अपने हस्बैंड से चेक करवा के इसको मोमोज की प्लेटिंग बना दी है तो पानी को मैंने पहले ही उबालने के लिए रख दिया था ये डी मेरा वो हो गया क्या बोलते हैं उसको आ, स्टीमर तो अब रख देते हैं अपनी मोमोज़ की प्लेटिंग और थोड़ी सा डिस्टेंस किया क्योंकि जब मोमोज स्टीम हो जाएंगे तो थोड़े से बड़े हो जाते हैं साइज़ में है ना तो 10 मिनट के लिए मैंने उसको स्टीम किया और देखिए हमारे गर्मा गर्म, गर्म मोमोज़ बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल मोमोज बन के तैयार हो चुके हैं तब इनको मैं निकाल लेती हूँ गर्मा गर्म खाएंगे खाने में बड़ा मज़ा आता है और सबको इतने पसंद है ये मोमोज़ कि क्या बताओ हमारे घर में तो बस जब से मुझे बनाना आया है ना और मैं इसीलिए आप लोगों के साथ में शेयर रही हूँ इसको सब म्योनीस के साथ में शेयर करेंगे सर्व करेंगे और ये मैंने मोमोज़ की चटनी बना दी किसी और दिन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी इसकी चटनी भी तो यहाँ पे मेरे गर्मा गर्म मोमोज हैं वो बन के तैयार हो गए आपको मैं अंदर से फिलिंग बता देती हूँ कि कैसी लग रहे हैं ये समोसे ये देखिए बहुत ही टेस्टी बने थे ये समोसे निकल रहे हैं बार बार मोमोज़ बनाए एंड गाइज अगर आपको ये रेसिपी प्लीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ये देखो गर्मा गर्म फीलिंग अंदर से दिख रही है क्या मस्त मज़ा आ रहा था इसको खाने में ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी आपको प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड मिलती हूँ आपसे अपनी वीडियो में तब तक के लिए बाय इंजॉय कीजिए वो को